everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Soumya and if you're new to my channel, let me introduce myself. I make videos on beauty, shopping haul and lifestyle, and if you're interested then please consider subscribing to my channel. And in today's video, I'm going to share my hair care routine, and this video is all about how I do hair spa at home by using L'Oreal Paris products. If you are interested then please watch the video till end, and if you find this video helpful then please subscribe to my channel and also hit the like button and share it with your friends and family. So let's get jumping into the video. तो सबसे पहले हम करेंगे हेयर ऑयलिंग, और हेयर ऑयलिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ कामा आयुर्वेदा के हेयर ऑयल। आपको दिख ही रहा होगा कि बॉटल बिल्कुल एम्प्टी होने वाली है, और ये मेरा फेवरेट हेयर ऑयल है। मैंने एक वीडियो बनाई थी 1.5 साल पहले, जब मैं अपना यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं यही वाला हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। और ऑयलिंग करते बारे अपने टिप्स को मत भूला करो, क्योंकि टिप्स ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, मेरी टिप्स तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। उसके बाद मैंने हेयर बन बना के रख लिया था, और उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया आफ्टर 1 आवर, और मैंने यूज़ किया ये वाला शैम्पू। ये L'Oreal Paris का सीरीज एक्सपर्ट, और ये काफ़ी सूट कर रहा है मुझे, तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने यूज़ किया ये सीरीज एक्सपर्ट का कंडीशनर, और इसमें मैंने मिक्स किया था एलोवेरा जेल, और ये है इनिसफ्री का एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल ना अगर आप शैम्पू में भी डालोगे ना तो बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने कटोरी में इसे अच्छे से मिक्स करके, उसके बाद मैं अपने बालों में इस तरह से बालों के स्ट्रैंड में अच्छे से लगा रही थी ताकि हेयर्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए प्रोडक्ट। और जब हम स्पा करवाते हैं ना पार्लर में, तो वो भी इसी तरह से स्पा करते हैं, तो आजकल तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता बेबी के बाद, तो इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट घर पर मंगवा लिया था ताकि मैं घर पर जब मुझे टाइम लगे तो मैं हेयर स्पा कर सकूँ। और बस उसके बाद मैंने पूरा जो प्रोडक्ट था वो टिप्स पे भी लगा लिया, अच्छे से पूरे बालों में लगा लिया था, और इसे मैंने थोड़ी देर के लिए शायद 15 मिनट्स के लिए रखा था। उसके बाद की मैंने हॉट टॉवल थेरेपी। इसमें आपको क्या करना होता है, एक माइक्रोफाइबर टॉवल लो और उसे गर्म गर्म पानी में डिप करो, स्क्वीज़ करो और इसे अपने बालों में लगा लो। और यहाँ पे मैंने ना 2 टॉवल यूज़ किए थे, एक मैं अपने सिर पे लगा रही थी और दूसरा मैं पानी में डिप करके रख रही थी। और ये प्रोसेस मैंने किया था 10 मिनट के लिए। बस आपको जैसे लगे ना कि टॉवल थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है तो आप हटा लो और दूसरा टॉवल डिप करके लगा लो, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है ये। और इसके बाद कर लिया था मैंने अपना हेयर वॉश, और हेयर वॉश करने के बाद बाल बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सॉफ्ट लग रहे थे, और अंदर रूम की लाइट में जो रिज़ल्ट है वो अच्छे से विजिबल नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नेचुरल लाइट में भी शूट किया, और बालों में बहुत अच्छी शाइन आ गई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे, और बाल काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल भी हो गए थे। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो हम इंस्टाग्राम वगैरह पे बाल देखते हैं अदर इन्फ्लुएंसर के, उनके बाल होते हैं केमिकली ट्रीटेड, तो कुछ भी करें ना उनके बालों में अलग सी शाइन होती है ड्यू टू केमिकल्स, बट जो नेचुरल हेयर होते हैं उनकी जो शाइन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये रहे मेरे रिज़ल्ट, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।